ऑलराइट गाइस, तो गाइस फाइनली मैं लेके आ चुका हूं आपके लिए माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के अंदर 1.20 के अंदर एक बेस्ट ऑफ डिफाइन। जो आप लोग यूज करोगे ना, लिटरली आपका माइनक्राफ्ट काफी स्मूथ चलेगा एंड आपका जो माइनक्राफ्ट है काफी इनहांस हो जाएगा एंड इसके अंदर बहुत कुछ फीचर्स भी आपको मिलने वाले हैं एंड आपका परफॉर्मेंस भी बूस्ट हो जाएगा। अगर आपका माइनक्राफ्ट लैग करता है, क्रैश हो जाता है, तो ये वाला ऑप्टिफाइन यूज करके देखो, बहुत ही अच्छा वाला ऑप्टिफाइन है जो मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं। तो चलो गाइस, आज की वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हैं, आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले गाइस, जो आज की वीडियो का लाइक एमिंग है 300, देखते 300 लाइक हो पाता है कि नहीं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो गाइस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑप्टिफाइन को ऐड कैसे करना है अपने माइनक्राफ्ट के अंदर। तो आपको सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में चले जाना है, ऑप्टिफाइन आपको वहां से आपको मिल जाएगा एंड उसके बाद आपको ZHBR ऐप पे आना है एंड यहां पे जहां पे आपको जो ऑप्टिफाइन है वहां पे आपको जाना है, ऑप्टिफाइन को यहां पे आपको ढूंढ लेना है, ठीक है। जैसे आपको ऑप्टिफाइन मिलेगा यहां पे आपको क्लिक करना है, फिर व्यू का एक ऑप्शन आएगा वहां पे वापस क्लिक करना है, फिर माइनक्राफ्ट के ऊपर क्लिक करके ऑलवेज के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग क्लिक करोगे आपका माइनक्राफ्ट यहां पे ऑन हो जाएगा एंड फाइनली गाइस ऊपर देख सकते हो पोर्टेड स्टार्ट करके भी लिखा आ रहा है। तो अब लोग क्या करना है, यहां पे देख सकते हो ऑप्टिफाइन हमारा इंस्टॉल हो चुका है। ग्लोबल रिसोर्स पैक के अंदर जाने के बाद इसको माय पैक के अंदर जाके इसको एक्टिवेट कर देना है। गाइस यहां पे देख सकते हो फाइनली हमारा जो है एक्टिवेट हो चुका है ऑप्टिफाइन एंड गाइस पूरा लॉबी चेंज हो चुका है एंड यहां पे गाइस सेटिंग्स भी कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस हो चुका है, क्विक सेटिंग्स करके कुछ ऐड हो चुका है एंड यहां पे देख सकते हो गाइस जब मैं कुछ भी तोड़ता हूं कुछ एनिमेशन भी चेंज हो चुका है, काफी स्मूथ चल रहा है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एंड ट्रांसपेरेंट यहाँ पे जो है आपको मेन्यू देखने को मिलता है यहाँ पे एंड यहाँ पे देख सकते हो एक और कुछ फीचर्स आया है यहाँ पे, देख सकते हो क्लॉक है, कंपास है, यहाँ पे कुछ 1x टेस्ट है, 64 है, मतलब 1x का मतलब कोई भी सामान को क्लिक करके 1x टेस्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो वो एक एक करके आइटम ड्रॉप होगा और 64 के ऊपर क्लिक करोगे तो पूरा फुल स्टैक मतलब फुल ड्रॉप होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे गाइस देख सकते हो क्विक सेटिंग्स आ चुका है जिसके अंदर आप लोग जो है स्विच कर सकते हो अपने जो है परस्पेक्टिव व्यू स्विच कर सकते हो एंड यहाँ पे FOVs भी कंट्रोल कर सकते हो एंड यहाँ पे स्प्लिट कंट्रोल्स वगैरह है यहाँ पे के हाइड हैंड, बाकी सब कुछ जो यहाँ पे जो चाहिए हमें जरूरतमंद क्विक सेटिंग्स के अंदर यहाँ पे आपको मिल जाता है। गाइस यहाँ पे देख सकते हो हमारे यहाँ पे कुछ और भी चेंजेस यहाँ पे देखने को मिलता है इस ऑप्टिफाइन के अंदर। यहाँ पे गाइस एक्सपी बॉटल का भी टेक्सचर यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंज हो चुका है, बहुत सारे टेक्सचर्स यहाँ पे चेंज देखने को मिलता है। जैसे कि गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ओर का भी टेक्सचर पैक यहाँ पे चेंज हो चुका है, यहाँ पे गाइस देख सकते हो सब ओर के ऊपर आपको आउटलाइन देखने को यहाँ पे मिल जाता है। गाइस यहाँ पे एक और चीज, पिकैक्स एंड स्वॉर्ड जितना भी आप लोग देख सकते हो ये सब ना छोटा छोटा हो चुका है एंड आपका क्रॉस ईयर भी यहाँ पे चेंज हो चुका है एंड बाकी गाइस यहाँ पे देख सकते हो एनिमेशन वगैरह भी यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे पार्टिकल्स बहुत ही कम है, यहाँ पे ग्रास देख सकते हो एंड यहाँ पे हमारे तो गाइस देख सकते हो शील्ड भी यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही छोटा है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। बहुत कुछ मतलब इस ऑप्टिफाइन के अंदर जितना हो सके लैग को कम करने की कोशिश क्या है एंड यहाँ पे कुछ भी अगर हाथ पे क्लिक करो तो उसके बारे में सब कुछ बता देगा। यहाँ पे देख सकते हो मैंने चिकन के ऊपर क्लिक किया, कितना हंगर बार लेगा, कितना कुछ लेगा, सब कुछ यहाँ पे बताता है। यहाँ पे देख सकते हो आग की पार्टिकल्स नहीं है, ठीक है। एंड यहाँ पे लास्ट में गाइस मैं आपको यहाँ पे TNT4 के दिखाता हूँ कि TNT4 में से क्या हमारा गेम क्रैश होता है या कितना लैग होता है ये सब दिखाता हूँ। तो गाइस देख सकते हो इजीली कुछ नहीं हुआ, लिटरली यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, बहुत ही सही यहाँ पे चल रहा है ऑप्टिफाइन। तो गाइस यही था इस ऑप्टिफाइन के अंदर, ऐसा ही कुछ आपको मिलेगा जितने भी सारा कुछ मैंने बताया। बाय द वे गाइस आपको यहाँ पे गाइस क्लाउड भी देखने को नहीं मिलता है, गाइस यहाँ पे देख सकते हो वाटर भी ट्रांसपेरेंट बहुत है एंड यहाँ पे गाइस जो सन है वो गोल है। बाकी गाइस मेरे को सबसे अच्छा लगा इसका एक्सपी का जो बार है ये RGBs वाला आपको यहाँ पे मिल जाता है। बाय द वे गाइस यही था इस ऑप्टिफाइन में, आप लोग यूज करो एंड आपका बहुत ही जो है लैग फिक्स हो जाएगा बहुत ही हद तक। तो चलो गाइस आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर गाइस ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अगर आप चैनल पे नए हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसी माइनक्राफ्ट वीडियो के लिए। तो चलो गाइस मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना एंड डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन जरूर से कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।